अडानी मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा। मामले में जेपीसी की मांग पर अड़ा विपक्ष, हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। संसद में भी ऑस्कर में डबल धमाके की गूंज, राज्यसभा में सभापति ने दी विजेताओं को बधाई। नाटू ने न केवल देश बल्कि दुनिया का दिल जीतने का काम किया है। नवरात्र के मौके पर प्रदेश भर में दुर्गा सप्तशती का पाठ, कराएगी योगी सरकार। सभी जिलों के डीएम को निर्देश जारी, रामनवमी पर अखंड रामायण कराने का भी निर्देश। भोपाल गैस त्रासदी की पीड़ितों का मुआवजा बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, खारिज हुई याचिका, कहा सभी पहलुओं के आकलन के बाद तय हुआ था मुआवजा। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में बिहार विधानसभा में हंगामा। डिप्टी सीएम तेजस्वी के इस्तीफे की मांग पर बीजेपी की नारेबाजी, मामले में तेजस्वी पर हुई थी छापेमारी। उमेश पाल हत्याकांड में अब बुलडोजर एक्शन पार्ट 2 की तैयारी तेज, शूटरों समेत 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को अथॉरिटी ने भेजा नोटिस, जवाब के बाद कार्रवाई की तैयारी। H3N2 वायरस से निपटने के लिए देश भर में तैयारियां तेज, दिल्ली से पटना तक अलर्ट, कई अस्पतालों में रिजर्व किए गए बेड, बनाई गई डॉक्टरों की टीम। बिहार में बेखौफ बदमाशों ने बड़ी वारदात को दिया अंजाम, छपरा में आरजेडी नेता को किया अगवा, तलाश में जुटे पुलिस। बखमूद की जंग में रूस को बड़े नुकसान का यूक्रेन का दावा, ज़ेलेंस्की ने कहा युद्ध में मारे गए रूस के 1,000 से ज्यादा सैनिक, रूस ने बखमूद में झोंकी अपनी ताकत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। आतंकी वारदात मामले में जम्मू कश्मीर में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है, एनआईए ने कई जिलों में छापेमारी की है, अनंतनाग और पुलवामा से एक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर में होने वाला G20 इवेंट पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है, जिस पर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है, इवेंट पर पाकिस्तान ISI से खतरा है। उमेश पाल हत्याकांड में अब बुलडोजर एक्शन पार्ट 2 की तैयारी तेज, शूटरों समेत 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को अथॉरिटी ने भेजा नोटिस, जवाब के बाद कार्रवाई की तैयारी। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी गुड्डू मुस्लिम की तलाश में पश्चिमी यूपी में एसटीएफ ने डाला डेरा, भेष बदल कर छिपे होने की खबर, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए इनामी हुए पराशूट। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के भाई अशरफ को भी लग रहा है एनकाउंटर का डर, इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगाई सुरक्षा की गुहार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पेशी करवाए जाने की मांग। साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद को यूपी लाने की कार्रवाई तेज, यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बड़ा बयान, अतीक को यूपी लाने के लिए कोर्ट में लगाएंगे अर्जी।